नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं ऑयल वाला रूम हीटर। आपने रूम हीटर तो अनेक प्रकार के देखे होंगे, परंतु ऑयल हीटर होता है यह रूम के लिए सबसे बेस्ट हीटर बताया जाता है। तो इस वीडियो में आपको हम यही रूम हीटर दिखाने वाले हैं। यदि आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो नीचे हम एक व्हाट्सएप नंबर देंगे, उनसे आप बात करके इसे आप परचेज कर सकते हैं। नीचे हम डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी दे देंगे। इस कंपनी के अलावा किसी और कंपनी का है, उसे भी आप परचेज करना चाहते हैं तो आप उसे परचेज कर सकते हैं। यह हीटर लेजर कंपनी का है। इसके नीचे लिखा है अल्फा ऑयल फील्ड रेडिएटर विद फैन हीटर, 11 फैंस का है, 2900 वाट यह बिजली लेता है। यह रूम की ऑक्सीजन को मेंटेन रखता है और इसके स्टाइलिश फैंस डिजाइन दिया हुआ है, पावरफुल हीटिंग दी हुई है, 100% सेफ है ये। इसके अंदर एलिमेंट नहीं दिए हुए हैं। इसे नीचे आप देखेंगे, यहाँ पर लिखा है 1 साल इसकी वारंटी रहती है, डोर स्टेप इसकी सर्विस रहती है, ISI मार्क का है। यह कंपनी 35 साल पुरानी है। अब हम बात करते हैं इसके कुछ एक फीचर्स के बारे में। नीचे आप देखेंगे इसमें लिखा 3 हीट सेटिंग दिया है, 1000 वाट, 1500 वाट, 2500 वाट विद पावरफुल फैन है, एडजस्ट थर्मोस्टेट दिया हुआ है, पावर इंडिकेटर है, टिलिट ओवर स्विच दिया हुआ है, ओवर हीट सेफ्टी दी हुआ है, हायर हीट इफिशियंट दिया हुआ है। नीचे है कैस्ट्रो व्हील फॉर पोर्टेबल कूल टच हैंडल है। ये थे इसके कुछ एक फीचर्स। अब हम बॉक्स के दूसरी साइड देखते हैं तो वहाँ पर कुछ एक डिटेल और इसके बारे में दी हुई है। तो साइड में हम देखते हैं, यहाँ पर एक नीचे देखेंगे एक स्टिकर लगा हुआ है, इसके ऊपर लिखा हुआ है, आइटम नेम है ऑयल फील्ड रेडिएटर विद फैन हीटर, मॉडल है अल्फा 11 फिंस, और नीचे देखेंगे लिखा वोल्टेज 230 वोल्ट, AC 50 Hz, 1 पीस इसके अंदर है। MRP इसका 10,995 रुपये दिया हुआ है। साथ में इस कंपनी का टोल फ्री नंबर भी नीचे लिखा हुआ है, एक इसका व्हाट्सएप नंबर भी लिखा हुआ है। कुछ एक टेक्निकल पॉइंट लिखे, जैसे कि फर्स्ट पोजीशन पे 1000 वाट, सेकंड के ऊपर 1500, थर्ड पे यह 2500 वाट लेता है, फैन प्लस हीटर यह 400 वाट लेता है, यह 11 फिंस का है। ऑयल हीटर 9 फिंस और 13 फिंस दो साइज में और भी आते हैं। चलो दोस्तों, अब हम इसको बॉक्स से बाहर निकाल लेते हैं। यह जो ऑयल वाला रूम हीटर है, इसको हमने बॉक्स से बाहर निकाल लिया है। सामने से आप इसका लुक देख सकते हैं। सबसे ऊपर सबसे पहले आप सामने देखेंगे, यहाँ पर पावर इंडिकेटर दिया हुआ है, उसके नीचे एक इसका स्विच है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और उससे नीचे आप देखेंगे थर्मोस्टेट वाला ऑप्शन दिया है, कम पे करना हमें ज़्यादा पे करना, जितने में गर्मी की जरूरत रूम के अंदर उसी के हिसाब से हम कर सकते हैं। एक स्विच दिया हुआ है ऑन ऑफ का, देख सकते हैं। उससे नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर एक फ़ैन लगा हुआ है, यहाँ से हवा इनपुट होती है। उससे नीचे आप देखेंगे यहाँ पर वायर लगी हुई है, यह जो वायर लगी हुई है इसको हम बिजली के अंदर लगाते हैं, और नीचे छोटी छोटी सॉकेट लगी हुई है। कोई भी अलग आइटम हमें इसके अंदर लगाना, कोई चार्जर लगाना हो तो भी हम इसके अंदर चार्जर वगैरह लगा सकते हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूँ साइड से इसका लुक। साइड से आप देखेंगे इस तरह का आपको लुक दिखाई देगा, अलग अलग आपको फिंस भी दिखाई दे रहे हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूँ ये फिंस किस तरह के होते हैं। सामने जो आपको प्लेट दिखाई दे रही है, इनको फिंस ही बोला जाता है। ये जो पीछे वाली है ये सीधी है, और जो बीच के अंदर है ये थोड़ी डिजाइन में बनाई हुई है, देख सकते हैं। आप इनको फिंस को गिन भी सकते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 फिंस का है। इसी तरह से 9 फिंस और 13 फिंस में आता है, किसी में कम हो जाएंगी किसी में ज़्यादा बढ़ जाएंगे। नीचे की तरफ से आप देख सकते हैं इस तरह का है। साइड में यहाँ पर जो पंखा साइड से हवा लेता था, यहाँ से हवा आउटपुट देता है, देख सकते हैं। यह हवा बाहर देने वाला, यानी कि जो अंदर की हीटिंग होती है इसके फिंस की, यानी कि ऑयल की जो हीटिंग होती है यहाँ से बाहर निकलती है। दूसरी साइड आप देखेंगे यहाँ पर भी इसी तरह का इसका लुक दिया हुआ है। नीचे एक स्टिकर भी लगा हुआ है, स्टिकर के ऊपर भी जैसे कि कंपनी का नाम होता है, कितने वाट का है ये, इस तरह से ISI मार्क का है, मेड इन इंडिया है, इस तरह के छोटे छोटे पॉइंट इसके ऊपर भी लिखे हुए हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूँ पीछे की साइड से कि किस तरह का इसका लुक है। पीछे की साइड से आप देखेंगे इस तरह का लुक दिया हुआ है। जब आप इसे यूज़ करें तो इसके ऊपर आप हाथ ना लगाएं, क्योंकि ये जो फिंस है यह गर्म होंगे। नीचे की साइड आप देखेंगे व्हील दिए हुए, 2 पीछे की साइड व्हील लगाए हुए हैं, 2 आगे की तरफ है, ताकि हम इस ऑयल हीटर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से घुमा सके। कहीं पर भी आपको साइड में रखना हो, कहीं आपको बीच में रखना हो, तो हम आसानी से इसको हम रख सके, क्योंकि इसके अंदर वजन होता है, इसलिए हम इसको हाथ से उठाएँगे या फिर इसको जब हम टच करेंगे तो यह गर्म होता है, इसलिए इसके साथ में व्हील दिए हुए हैं। इस ऑयल हीटर का जो प्राइस है मार्केट के अंदर चल रहा है लगभग 7,500 रुपये के आसपास चल रहा है। यदि आपको किसी भी बच्चे के लिए, बूढ़े के लिए, किसी भी जवान के लिए कोई भी रूम हीटर परचेज करना है और रूम हीटर रूम के अंदर यूज करना है,
तो आप यही रूम हीटर यूज़ करें। इसके अलावा आप कोई भी रूम के अंदर हीटर यूज ना करें। अलग प्रकार के जो रूम हीटर होते हैं वह ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देते हैं, जिसके कारण आपको सांस लेने में दिक्कत होती है। और यह जो हीटर होते हैं यह जो ऑक्सीजन की मात्रा उसको कम नहीं होने देते और सेहत के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट होते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, साथ में बिजली की दुकान यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर जरूर कर लें।